और अब उत्तराखंड की फटाफट खबरें। सीएजी ने हरीश रावत सरकार का काला चिट्ठा खोला। योजनाओं के संचालन में कई विभागों के घोटाले उजागर हुए। हरीश सरकार ने गरीब बच्चों के हक पर भी डाला डाका। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक उमेश शर्मा का उन्हें इन प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस पर तंज किया कि देश बदल रहा है लेकिन कांग्रेसी नहीं बदल रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेसियों का काला धन मोदी जी के इस फैसले के बाद धरा का धरा रह गया है, इसीलिए वो परेशान होकर धरना प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने नोटबंदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 4,000 रूपये निकालने एटीएम पहुंचकर दिल्ली में राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। सीएम को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाबाजी और आरोप प्रत्यारोपों से सरकार नहीं चलती, सरकार चलाने के लिए विकास के काम करने पड़ते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पूरे देश में इस समय करेंसी को लेकर भारी अव्यवस्था हो रही है। कुंजवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बगैर तैयारी किए करेंसी को बदलने का फैसला किया जिससे जनता लाइन में लगने से परेशान है और व्यापार घट गया है। कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की शिकायत यह है कि मीडिया ने उनकी यात्रा को उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिया गया। किशोर के मुताबिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। हल्द्वानी के एमबी कॉलेज में होने वाली परिवर्तन यात्रा की जनसभा में 30,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेताओं ने कसरत शुरू कर दी है। जनसभा के संयोजक और प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने नैनीताल संसदीय क्षेत्र की 15 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी तय की है। हल्द्वानी में पीडीएफ विधायक वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसियों के साथ मिलकर 4.5 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। लालकुआ विधानसभा से पीडीएफ विधायक और श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने बताया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत के बाद इस फैसले को लिया गया है। कनकपुर में डिग्री कॉलेज ने बालिका इंटर कॉलेज के भवन पर कब्जा जमाया हुआ है। जीजीआईसी द्वारा अपने भवन को वापस लेने के लिए तमाम पत्राचार करने के बावजूद डिग्री कॉलेज प्रशासन जीजीआईसी भवन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। हल्द्वानी में करेंसी चेस्ट बैंक की मनमानी से लिंक बैंक को करेंसी नहीं दी जा रही है जिससे उपभोक्ता बगैर कैश लिए बैरंग लौट रहे हैं और सीनियर सिटीजन अपने पेंशन भुगतान नहीं होने से दुखी हैं। लिंक बैंक के मैनेजर भी लगातार उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए कैश के लिए पीएनबी के पास चक्कर लगा रहे हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के 1 सप्ताह बाद शादी विवाह वाले परिवारों को 2.5 लाख रूपये खाते से निकालने के आदेश दिए गए। राजधानी दून के बैंक आज भी इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा जनता कलेक्ट्रेट और अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर है। नोटबंदी का असर राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से अस्पताल की आमदनी काफी कम हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक नोटबंदी का असर अस्पतालों पर भी है। 40% तक यूजर चार्जेस में गिरावट आई है। काशीपुर में नोटबंदी के चलते काले धन को ठिकाने लगाने में उद्योगपति जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों को 2 से 3 महीने का वेतन देकर नए नए हथकंडे उद्योगपति अपना रहे हैं। काशीपुर में नोटबंदी का प्रॉपर्टी पर खासा असर पड़ रहा है। रजिस्ट्रार के मुताबिक प्रॉपर्टी के दाम गिरने के साथ खरीदारों में लगातार कमी आ रही है। दून में 2 दर्जन से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 1 दर्जन के नक्शे स्वीकृत हैं लेकिन निर्माण नहीं शुरू हो पा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक एमडीडीए के लिए बल्ले बल्ले जरूर साबित हुई है। एक तो लोग पुराने मामलों में कंपाउंडिंग के लिए बकाया रकम तेजी से चुका रहे हैं, साथ ही एमडीडीए के बचे हुए एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स की क्वेरीज बढ़ गई है।
नोटबंदी से अंतर्राष्ट्रीय ज्वेल जी भी व्यापार मेला खासा प्रभावित हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मेला भारत नेपाल और तिब्बत की साझा संस्कृति का प्रतीक है। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली व्यापारिक जनजातियों के लिए आय का भी मुख्य साधन है, लेकिन पुराने नोटों के प्रचलन में रोक लगाए जाने से इस मेले का व्यापार ठप हो गया है। गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल बेस हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स को उत्तराखंड सरकार स्टाइफंड नहीं दे पा रही है। पिछले एक साल से किसी भी स्टूडेंट को ये फंड नहीं मिल पाया है, जिसके चलते डॉक्टर्स नौकरी छोड़कर चले गए। प्रदेश की बहुउद्देश्य 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास सियासी घमासान की भेंट चढ़ गया। भूमि पूजन करने लखवाड़ पहुंच रहे हरीश रावत का स्थानीय लोगों और बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने वॉकथॉन 2016 का आयोजन किया, जिसको मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फ्लैग ऑफ कर आगे बढ़ाया। देहरादून के घंटाघर से आयोजित वॉकथॉन में कई कॉलेजेस के छात्रों ने हिस्सा लिया। नैनीताल के आलू खेत में एक निजी स्कूल ने नोटबंदी से पीड़ित ग्रामीणों का स्वास्थ्य कैंप लगाकर दर्जनों अस्वस्थ लोगों का इलाज किया और उन्हें निःशुल्क दवाएं बांटी। विकासनगर के कालसी तहसील में 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे दलित नेता दौलत कुंवर और उनके साथियों को प्रशासन ने जबरदस्ती उठाया और सभी को दून हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि भूख हड़तालियों की तबीयत बिगड़ने के चलते यह कदम उठाया गया। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर 157वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाया। पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के विरोध में राज्य के तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सचिवालय कूच किया। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करते आ रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने आज से पूरी तरह कार्य बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, लेकिन बातचीत के बावजूद उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता।